Hey guys, this is बाबू पिस्तौल और मैं आपका दोस्त बाजवा जी। गाना आ गया नया अरिजीत सिंह का। अरिजीत सिंह के हम बहुत बड़े फैन हैं और हम ही नहीं पूरा पाकिस्तान उनका फैन है। जिस तरह के उन्होंने गाने दिए बॉलीवुड को और वैसे इंडियन इंडस्ट्री को, तो उनका फैन होना तो बनता है बिल्कुल जी बिल्कुल। क्योंकि क्वालिटी वाले गाने, हर गाने में क्वालिटी होती है, हर गाने में एक अलग अंदाज होता है और उनकी आवाज़ आए हाय क्या बात है। बाकी आज उनका एक गाना रिलीज हुआ है, नई मूवी आ रही है तू झूठी मैं मक्कार, रणबीर कपूर श्रद्धा कपूर, और उस मूवी में से एक गाना रिलीज हुआ है आज तेरे प्यार में, जो अरिजीत सिंह ने बोला है और म्यूजिक अरेंज किया है इसका प्रीतम ने, ठीक है, और निकिता ने इसके लिरिक्स, सॉरी निकिता ने मेरे ख्याल में साथ गाना बोला होगा। अभी हमने गाना पूरा सुना नहीं, बिल्कुल अमिताभ भी है इसमें, उन्होंने शायद लिखा होगा। बाकी गाना सुनेंगे, उसके बाद देखेंगे किसने क्या किया और गाना किस तरह का है। चलेंगे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब जरूर करें जी, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। चलते हैं फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट। लव इज बैक। तेरे प्यार में, वाह, तेरे प्यार में दिल चाहता है। ओल्ड लुक में आया रणवीर। ये ब्रो मैंने गाना ना ट्रेलर में थोड़ा सा सुना था, तो मुझे उस दिन से इंतजार था इसका कि कब ये गाना आए, कब मैं सुनूं, क्योंकि अरिजीत सिंह का गाना पहले से ही इंतजार होता है कब आए कब सुने, ठीक है, और मजे का लग रहा है। All of you. यार नशे में तेरे यार पड़ा जो एक बार, जमाने के नशे सभी पुराने हो गए। ओ हाय क्यूट पी श्रद्धा को, तू ना हो मेरे साथ तो गुजरे ना रात, दीवाने के रोजाना के बहाने हो गए हो गए। क्या बात है। तेरे जिस्म के हर इंच पे मेरी हर हर इंच पे मुझे एक जाम की मिला पूरा मैं कदा। क्या बात है। स्लिप देखी है अभी, देख लेते मिला पूरा मैं कदा है। अरे वाह, अल्लू अर्जुन का स्टाइल है, स्टाइलिश स्टार साउथ के जो है। गाना सुनने वाला है, सुने फिर बॉडी अच्छी बनाई है। शादी के बाद शायद बनी है मूवी। श्रद्धा ने नहीं नहीं उसने रणबीर ने। निकिता की भी आवाज है इसमें। उनको किसी की कोई खबर नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं, बस खुद में मगन है। ये जो चीजें हैं इमरान हाशमी ने अगर छोड़ दी हुई है ठीक है, नहीं बाहर आ रहे भाई बॉलीवुड वाले। अवाम अगर एडवांस हुई है ठीक है, तो इनको भी कुछ एडवांस ले। बॉलीवुड ने ये चीजें वैसे छोड़ दी हुई थी, ठीक है, रिसेंट अगर काफी मूवीज देखी जाए तो उनमें ये सब कुछ नहीं था। बिल्कुल। अभी पठान आई है, पठान का भी काफी फड्डा बना हुआ था वो बिकनी का, इसमें भी बहुत सारे ऐसे सीन हैं जो मतलब देखने वाले नहीं है, फैमिलीज में बैठ के देखने वाले नहीं है, और हमारी वीडियो जो है वो फैमिलीज ज्यादातर देखती हैं। लेकिन ये डिमांड आई थी हमें कमेंट सेक्शन में, सेक्शन में काफी लोगों ने बोला है, और हमें नहीं था पता कि इस तरह की इसकी वीडियो। अभी बस हमें डाउनलोड करके, बॉलीवुड जो है ना एक बड़ी इंडस्ट्री है और इन्हीं चीजों की वजह से बॉलीवुड पीछे आया था, ठीक है, साउथ इंडियन मूवीज आगे आ गई थी। बिल्कुल यही रीजन थी, क्योंकि फैमिली जिस चीज को एक छोटी कम्युनिटी सपोर्ट करती है ना वो चीज आगे आती है। बिल्कुल ठीक है, और ये इस तरह की मूवीज फैमिलीज नहीं देख सकती भाई,
ठीक है, मैं तो यही बोलूंगा। ये सॉन्ग है पता नहीं फैम वो तो मूवी में क्या होगा। कलरफुल होना चाहिए कुछ, ये चीजें डिमांड करवाती है फिर। गाना तो वैसे मजे का था, मुझे तो नहीं पता, मुझे तो समझ नहीं आई। अच्छा भाई, लेकिन ठीक है, गाना बहुत मजे का है। अरिजीत सिंह का गाना हो मजे का ना हो, नहीं ये बात हो नहीं सकता। गाना अच्छा था लेकिन उन्होंने सुनने नहीं दिया, ये भी बात है। नहीं मैंने सुना है, मैंने सुना है, गाना सुनने के लिए होता है, मैं तो सुन रहा था और गाना सुना है, अच्छा है, गाना बहुत अच्छा है, लेकिन वीडियो जो है ना वो थोड़ी सी मतलब इतनी नहीं होनी चाहिए यार। थोड़ा बहुत चलता है लेकिन इतना नहीं चलता यार। वो टाइम और था, उस टाइम पे लोगों को इतनी समझ नहीं थी, ठीक है। आज फिर तुम पे प्यार आया है, ठीक है, उस तरह के गाने आते थे, लोग सुनते भी थे, लेकिन वो गाना अच्छा भी था। हाँ, अभी वो सीन नहीं रहा, वो गाना हिट था अपने टाइम में, वो हिट था, लेकिन वीडियो की वजह से बहुत सारे लोगों ने उस गाने को नहीं सुना जी, ठीक है। और अगर बॉलीवुड, मैं तो यही कहूंगा, अगर बॉलीवुड ने काम करना है तो इस तरह का काम नहीं चलेगा भाई, ठीक है। अगर आप ये सब कुछ दिखा के खुद को प्रमोट करोगे, मतलब खुद को आगे लेके आओगे, तो कभी भी नहीं होगा। इस चीज़ का सिला आपको पहले भी मिल चुका हुआ है, ठीक है। मैं आपको रोस्ट नहीं कर रहा, मैं आपको गलत नहीं बोल रहा, काम बहुत अच्छा कर रहे हो आप, ठीक है। बोला इतनी अच्छी मूवी ब्लॉकबस्टर है, पठान, उसके बाद वो सलमान भाई की आ रही है भाईजान, किसी का भाई, हाँ, किसी का भाईजान, इतनी सारी मूवीज आ रही हैं। सेल्फी मूवी बहुत अच्छी है, अभी आएगी, देखेंगे फिर ये भी। हाँ, ट्रेलर से ही अंदाजा हाँ। हो जाता है कि किस क्वालिटी की मूवी होगी, ठीक है। बाकी इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए बॉलीवुड की मूवीज़ में, अगर थोड़ी बहुत हैं भी तो गानों में नहीं होनी चाहिए, कम से कम गाने सुनने होते हैं, ठीक है। बाकी गाना बहुत अच्छा था, ठीक है, गाना बहुत ही अच्छा था, मैं तो सुनूंगा भाई, प्लेलिस्ट में भी रखूंगा, लेकिन ऑडियो को रखूंगा, वीडियो को मैं नहीं रखूंगा। बाकी चलो, ये तो बात की बात है, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपकी क्या राय है। आप हमसे इख्तलाफ अगर करें तो कोई बात नहीं, कर सकते हैं आप, ठीक है, हमारी अपनी सोच है, आपकी अपनी सोच है, आप हमें कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।